इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कल सूरत में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द हो गई है। ओखी तूफान की वजह से मोदी की रैली टाली गई है। गुजरात में पहले दौर का चुनाव प्रचार परसों शाम थमना है, लेकिन उससे पहले खराब मौसम ने नेताओं के चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा दिया है। अमित शाह से लेकर राहुल गांधी तक की आज की रैलियां रद्द हो गई ओखी तूफान की वजह से। मायावती की रैली में लोग बारिश से बचने के लिए पोस्टर और बैनर से सिर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभा में कुर्सियां खाली इसलिए हैं क्योंकि सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। बारिश की वजह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी 3 सभाएं रद्द हो गईं। आदित्यनाथ भी गुजरात नहीं जा पाए। वसुंधरा राजे की रैली भी रद्द हो गई। आज राज बब्बर भी रैली नहीं कर पाए। अमरेली के रजूला की ये तस्वीरें हैं, यहाँ अमित शाह की रैली होनी थी, मंच बन गया था, कुर्सियां भी पहुंच चुकी थी, लेकिन बूंदाबांदी और हवा का झोंका थम नहीं रहा, लिहाजा रैली रद्द करनी पड़ी। आदरणीय अमित भाई शाह साहब आने वाले थे, मौसम बहुत ख़राब है और एक कोस्टल एरिया में 2 नंबर का सिग्नल भी लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। तमिलनाडु और केरल में तबाही मचाने के बाद ओखी तूफान गुजरात की तरफ रुक कर चुका है। आंधी और बारिश की वजह से समंदर से सटे जिलों में नेताओं को प्रचार करने में खासी दिक्कत हो रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।